हेलो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज का पार्ट 6 का जो लेक्चर है, तो उस लेक्चर में हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है दिस के बारे में। तो ये पार्ट 6 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसमें हम दिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस पुराने ही प्रोग्राम को खोल चुके हैं और इस पुराने प्रोग्राम में हम फिर से एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपलेस्ट। हम स्टैटिक का यहाँ से हटा देंगे इसको, हमने इसको सिंपल प्रोग्राम बना दिया, एक सिंपल सा हमने इसको क्लास के रूप में, क्लास के शक्ल में इसको हमने बना दिया। ये फंक्शन जो है यहाँ पे, ये फंक्शन को हम करेंगे यहाँ पे इको, हेलो। तो ये सिंपल फंक्शन एक है और ये सिंपल वेरिएबल एक है, और मैं नीचे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसका, क्लास हाउस का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डॉलर एच के नाम से, न्यू हाउस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट के जरिए, डॉलर एच के जरिए, मैं इसको, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ इको, तो इस चीज को मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। और ये ओपन के नाम पे हमारा फोल्डर जो है वहां पे है, तो ये ओपन यहाँ पे है, ओपन ओपन डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे नेम जो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कामरान, इसको मैं सेव कर लूंगा। ये एक सिंपल प्रोग्राम बन गया, तो यहाँ पे कामरान आ गया, ठीक है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया जहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी ऊपर डिक्लेयर की, उसके बाद मेथड डिक्लेयर किया एक क्लास में, और बाहर उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जहां मैं उस मेथड, जहां मैं सॉरी मेथड को नहीं, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ। तो मेरा इस प्रोग्राम में आपको मतलब ये है, मुझे क्या बताना है आपको, मुझे दिस के बारे में बताना है। दिस जो हम यूज करते हैं ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अगले प्रोग्राम में, अगले लेक्चर में हम दिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ पब्लिक, और एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ नेम और एज, एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए, ये फंक्शन जो है ना यहाँ पे, ये मेथड जो है ना, ये सेम प्रोग्राम सेम क्लास में है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, और ये फंक्शन इसी क्लास में है जिस क्लास में ये प्रॉपर्टीज है। तो इसी जगह, इसीलिए मैं यहाँ पे दिस का यूज करूंगा। अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ के नेम और एज को एक्सेस करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे उनको एक्सेस करूंगा, दैट मीन्स मुझे दिस का यूज करना है, क्योंकि दिस रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज I am accessing in the same class. This accesses those properties that I am accessing in the same class. तो मैं यहाँ पे dollar this का use करूँगा, dollar this. तो यहाँ पे ऐसे symbol, हाँ, name का मतलब है कि इस class का जो name नाम का property है, उसको, ये function नहीं है, property है। हम function को भी यहाँ पे नेम के बदले, हम अगर यहाँ पे कोई और मेथड होता, फंक्शन होती, तो हम उसको यहाँ पे फंक्शन कॉल भी कर सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पे चूंकि एक मेथड को, एक प्रॉपर्टी को कॉल एक्सेस कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी का यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉलर दिस नेम। यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करूंगा, इसको मैं इको करूंगा पहले, इतना मैं इको करूंगा पहले, और इस कॉन्केटनेट को मैं फिलहाल नहीं रखूंगा यहाँ पे। तो नीचे क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और मैं इस ऑब्जेक्ट के जरिए अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा, एच ई एल एल ओ, हेलो, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल करूंगा, तो मैं फंक्शन के पैरेंथेसिस बोल चुका हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं सेव करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये फंक्शन कॉलिंग के जरिए कामरान प्रिंट हो रहा है। तो
मुझे दिखाना ये था कि दिस का यूज हम कैसे करते हैं, तो दिस का यूज हम इस तरह करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे इसको कॉन्केटनेट करके लिखूंगा कामरान इज, ठीक है, और कॉन्केटनेट करूंगा यहाँ पे, फिर मैं लिखूंगा, फिर मुझे एज चाहिए ना यहाँ पे कामरान इज, अब ये एज आनी चाहिए यहाँ पे इज 25 ईयर्स ओल्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से डॉलर दिस, क्योंकि मैं इसको दोबारा एक्सेस कर रहा हूँ ना यहाँ पे एज, अब मैं एज के प्रॉपर्टी को, एज जो है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज, ठीक है, इज 25, फिर से कॉन्केटनेट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर्स, वाई ए आर एस ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे देखिए आप कामरान इज 25, मैंने स्पेस डाली है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कामरान इज के बाद भी स्पेस डाली है, यहाँ पे भी स्पेस डालते हैं, देखिए आप इसका आउटपुट कामरान इज 25 ईयर्स ओल्ड, ये कामरान इज दुरुस्त हो गया। तो ये था दिस का, जो हम दिस का यूज करते हैं। अब क्या समझ लिया आपने दिस के बारे में, आपने दिस के बारे में ये समझ लिया कि अगर ये सेम क्लास के अंदर हम किसी प्रॉपर्टी या किसी फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डॉलर दिस का यूज करते हैं। अगर हम इसके बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सीधा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस दिस के बदले उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और उसके जरिए हम उस ऑब्जेक्ट, जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसके उसकी किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को के पास में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर करूँ। थैंक यू।